वाला एक ऐसा डीमन घोस्ट जो नन के ड्रेस में दिखाई देती है। हमने देखा है कि इस वालक नन को कंजूरिंग 2 में एनाबेल क्रिएशन में, जो जेम्स वेन द्वारा निर्देशित फिल्म है, उनके मूवी में दिखाया गया है कि वालका एक घोस्ट नन है। तो आइए दोस्तों, वालका क्या है, क्यों है, कहां से आई है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए जे मूवीज़। आप लोग कंज्यूरिंग 2 तो ज़रूर देखे होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, कंज्यूरिंग 2 एक रियल घटना पर आधारित एक फिल्म है जिसे जेम्स वेन द्वारा निर्देशित किया गया है। वही डायरेक्टर जिसने एक्वामैन मूवी डायरेक्ट की है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कंज्यूरिंग 2 मूवी एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है जिसमें वालका नाम के डीमन को एक काल्पनिक कैरेक्टर के रूप में लिया गया है ताकि फिल्म अच्छा बने और दमदार हो, जिसमें लोगों को देखने में मज़ा भी आए। तो आइए आज हम जानते हैं वालका कौन है। तो दोस्तों, माइथोलॉजी के अनुसार वालका एक नरक में रहने वाली औरत है, या ऐसा भी कहा जाता है वह नरक की प्रेसिडेंट है, जिसे हम राक्षसों का अध्यक्ष कह सकते हैं। उनके 30 राक्षस हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी हुकूमत कायम करके रखी है। उन 30 राक्षस में सबका अलग अलग शक्ति है और सभी एक दूसरे से बेमिसाल और क्षमता वाले हैं। उन 30 राक्षसों को वालका यानी नन ऑपरेट करती है, जो कि इस पृथ्वी लोक में आकर अपने मकसद को अंजाम देने के लिए अलग अलग डीमन अलग अलग राक्षस को भेजती है। तो वालका दिखने में एक एंजल जैसी होती है और उनके पास 2 सींग वाला एक ड्रैगन होता है, हाइट में काफ़ी कम, और सांप को हमेशा अपने हाथों में रखी रहती है। देखने में बेहद आश्चर्य और अद्भुत दिखाई देता है। इसके साथ साथ ही इसमें छुपा हुआ खजाना को ढूंढ निकालने की गजब की शक्ति होती है, क्योंकि वह जो भी पुराना खजाना होता है उन्हें कहीं से भी निकालने खोजने की इसमें एक काबिलियत होती है, चाहे वह खजाना समंदर के अंदर हो या कोई ज़मीन में बरसों पुराना सैकड़ों हजारों साल गड़ा खजाना हो। तो इस डीमन को माइथोलॉजी के अनुसार एक काल्पनिक कहा जाता है और इसे फिल्म में एक काल्पनिक पात्र के रूप में दिखाया गया है, जिसका हुलिया, कपड़ा, साजो सजावट एकदम अलग ही कर दिया गया है, जिन्हें नन के रूप में दिखाया गया है कॉन्जोरिंग 2 मूवी में। फिर भी उस मूवी में इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है कि ये डीमन कहाँ से आई है, क्यों आई है और क्या चाहती है। बस हमें मूवी में ये दिखाया गया है कि यह पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाले पति पत्नी को अपना काम करने नहीं देती। कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये भी दिखाया गया है कि इन्हें कुछ तंत्र मंत्र प्रसिद्धि के द्वारा
बुलाया जा सकता है जिनमें गजब की शक्ति हो, उनमें कुछ अद्भुत क्षमताएं हो, जो वो पैदाइशी वह क्षमता लेकर पैदा हुआ हो, लड़का हो या लड़की। एक ऐसा इंसान जो नरक या स्वर्ग से जुड़ा हो, जिनका अतीत वह ही इसे बुला सकती है या बुला सकता है और उन्हें खजाना ढूंढ कर देने में उनकी मदद कर सकता है। और हाँ, यदि अगर वह किसी मजे या मनोरंजन के लिए इस वालका को बुलाती है, तब वह उनका जीना दुभर कर देता है। वह उन्हें इतना परेशान करती है कि वह मौत को भी अपने उपहार के रूप में पाने को उत्सुक हो जाती है। और यदि कोई क्षमता पौराणिक शक्ति वाले व्यक्ति इसे बुला लेता है और उसे उनकी खोजने में मदद करती है, तब इस वालका को उनकी इच्छा पूर्ति करने के दौरान उसे और भी शक्ति प्राप्त होती है। वालका को आज भी किसी अनुष्ठान तंत्र मंत्र के द्वारा बुलाया जा सकता है और यह संभव भी है। यदि आप में क्षमता हो, सही तंत्र मंत्र और निष्ठा से उन्हें वालका को बुलाया जा सकता है और खजाने का पता लगाया जा सकता है। लेकिन याद रहे, यदि वह आपको खजाना देगा तो ज़रूर आप से वह कुछ न कुछ लेगी।